सो गाइस ये थे हमारे पार्किंग वाले भैया। टाइटैनिक व्यू पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, अब देखते हैं कितनी अच्छी जगह है वो। नाम तो काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पर जाके भी इस नाम का मान रहे, काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिले। तो गाइस आज का व्लॉग जो है ये होने वाला है टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे। वेलकम टू माय चैनल, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में आज हम निकले हैं वीरनाग से, तो गाइस हम जाएंगे आज टाइटैनिक व्यू पॉइंट। होप कि आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। पिछले वाले व्लॉग में बाल बाल बचा था मैं, काफ़ी रिस्की सा सीन था उस टाइम का, और जो गाइस वीडियो मैंने शूट की थी वीडियो भी उस टाइम उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो उम्मीद करते हैं आज सब कुछ ठीक हो, वीडियो भी अच्छे से आए, साउंड ऑडियो भी जो है वो भी आप अच्छे से सुन पाओ। तो निकलते हैं इस खूबसूरत सी जगह को छोड़ के अगली नई खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमें जाना है टाइटैनिक व्यू पॉइंट, जो कि इन भैया जी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, सो इन्हें ही जाने देते हैं, हम पकड़ते हैं अपना रास्ता। गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो नया इस वीडियो को देख रहा है, जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें। हमें तो रॉन्ग साइड ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हूँ, गाइस करीबन 2:30 बजे हैं इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमें शायद इस वाले रोड से जाना है, इस रूट से, होप कि यही रूट हो। थोड़ा सा आगे जाके पूछ भी लेंगे किसी से। हमें जो नेशनल हाईवे है उसके पास में ही जाना है, तब जाके हम टाइटैनिक व्यू पॉइंट पर पहुँचेंगे। टाइटैनिक व्यू पॉइंट को कवर करने के बाद गाइज मैं उसके बाद उससे पहले गाइज अगर इसी यही रूट हुआ तो गाइज हमें एक और व्यू पॉइंट मिलेगा, उसका नाम गाइज मैं भूल चुका हूँ, लेकिन है कोई व्यू पॉइंट वहाँ पर भी, तो काफ़ी बेहतरीन जगह है गाइज अगर व्यू पॉइंट नहीं भी मिला। हमें जो मिल रहा है गाइज सामने आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि इस बार वीडियो बिल्कुल भी गलत ना हो। पिछले व्लॉग में गाइज मेरी काफ़ी वीडियोज़ आया हुई है, क्योंकि गाइज बैटरी का मसला है, फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो कैमरा पर बहुत कम हो जाती है। आप लोग जानते होंगे जब भी हम कैमरा यूज़ करते हैं तो बैटरी बैकअप जो है वो बहुत कम मिलता है। सो गाइज हम थे रॉन्ग वे पे, लेकिन आई थिंक रॉन्ग वे पे नहीं, राइट वे पे ही थे, क्योंकि जो मुझे कैप्चर करना है वो है व्यू, और वो रहा आपके सामने, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ का एक और व्यू पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैंने सर्च किया अब गूगल की मदद से, तो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 6 मिनट लगेंगे, तो मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आप भी वीडियो पे बने रहिएगा, इस 6 मिनट कोई लंबी चीज़ नहीं है गाइस, 6 मिनट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो हम चल रहे हैं अब एक व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ से हमें ये सारा व्यू मिलेगा जिस चीज़ का मैं भूखा हूँ, जो चीज़ मैं ढूँढता हूँ वो है व्यू। और उसके लिए अगर कोई सेपरेट सी जगह मिले जहाँ से सब कैप्चर हो जाए तो हमारा तो काम हो गया, तो उसी की तलाश में निकलते हैं आज इस व्यू पॉइंट को ढूंढने के लिए। बाइक का जो स्क्रीन है वो आपने देख रखा है, वो चीज़ें मैं आपको बार बार दिखा के क्यों बोर करूं। मेरा मानना है कि आपको अच्छे से अच्छा और नए से नया व्यू मिले डेली, तो फैमिली को बढ़ाओ ताकि सब इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। अभी जो पीछे हमें पार्किंग, जहाँ पे हमने पार्किंग में खड़ा किया था बाइक, तो वहाँ पर जो भैया थे उन्होंने भी चैनल का नाम खुद ही पूछा और सब्सक्राइब भी किया। होप कि आप सब भी करो जो नए आए हैं इस वीडियो में, और जो पुराने हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार की तरह कि आप इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं।
ज़्यादा नहीं, अगर आप हर कोई आदमी दो दो चार चार लोगों को इनवाइट करेगा इस चैनल पे। और इनवाइट करने का तरीका गाइस थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। आपको सिंपली उनसे फ़ोन मांग के उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताना है, ताकि यहाँ आएँ और ये जो मेरा चैनल है इस पर पहुँचें, इस चैनल को देख पाएँ। तो गाइस इसी रोड से हम गए थे पहले, वो उस टाइम में मेरे को इस व्यू पॉइंट के बारे में नहीं पता था। तो आप मुझे इस व्यू पॉइंट के बारे में पता है, तो हम चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। सामने ही है, थोड़ा ही दूर है, क्योंकि 6 मिनट का टाइम कहा गया था, होप कि नज़दीक ही हो। गूगल पे वैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे मीम देखे होंगे, गूगल मैप को जो लोग सीरियसली ले लेते हैं उन लोगों के आपने देखे होंगे। लेकिन गाइस आई थिंक जो हमें व्यू पॉइंट मिलने वाला है वो पास में ही है, क्योंकि मैं यहाँ से पर्सनली जो देख पा रहा हूँ व्यू, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, आपको वीडियो में आगे तक बने रहना होगा। हम आप इस रोड को तब तक एक्सप्लोर कीजिए। तो गाइस ये रहा हमारा व्यू पॉइंट, आज इस टाइम पे बिल्कुल खाली है। तो हम करते हैं अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा और चलते हैं इस व्यू पॉइंट की तरफ। तो पहले गाइस एक व्यू मेरी बाइक की तरफ और उसके बाद चलते हैं इस व्यू पॉइंट की तरफ, जिस पे कि चढ़ने का रास्ता नहीं, हम देसी तरीके से चढ़ेंगे। और गाइस वाकई ही काफ़ी 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 खूबसूरत व्यू यहाँ से आता है। गाइस मैं पहले हेलमेट उतार लेता हूँ। ये है वो व्यू पॉइंट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। रियली गाइस बहुत ही अमेजिंग है, देख पा रहे होंगे आप, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। यहाँ से जिस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं गाइस, कभी ख्वाब में भी नहीं देखी ऐसे व्यू पॉइंट्स। लिहाजा इतना सारा एरिया एक ही जगह से कैप्चर कर सकते हैं गाइस। ये है सामने, आप देख पा रहे होंगे जो सामने वाला पहाड़ है गाइस, उस पर नेशनल हाईवे जो जम्मू को जाती है, जो पुरानी वाली हाईवे गाइस, तो ये है हाईवे है, वो वहीं से जाती है गाइस, पुरानी वाली हाईवे। तो गाइस हम वहाँ से भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर गाइस आजकल आपको पता ही है यात्रा की वजह से आना जाना वहाँ से काफ़ी मुहाल करके रखा हुआ है। तो गाइस आप लीजिए इस व्यू पॉइंट का मज़ा, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी दिल को लुभा देने वाला व्यू पॉइंट। यहाँ से ऑलमोस्ट हम काफ़ी सारा एरिया जो है देख सकते हैं। इसके बाद गाइस हम अगले व्यू पॉइंट के लिए चलेंगे, तो उस वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें। और मैं भी आपको ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स डेली बेसिस पे देता रहूं, मेरी कोशिश रहेगी गाइस डेली व्लॉग करने का। अब थोड़ा सा मौसम का गाइस मसला रहता है तो डेली नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है गाइस कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं और आपको डेली व्यू दे पाऊं। तो एक लास्ट का व्यू मेरी बाइक के लिए, वो सामने खड़ी है हमारी धाकड़ शेरनी। सब अपना ख्याल रखेंगे, सब के सब मुझे अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें जिसने अब तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो ट्रिक मैंने बोली है उसी ट्रिक से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।